अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड ड्रीम्स। आपको मेरी वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे दही को हमने हंग करके रखा था, तो ये हमारा देखिए दही, हंग दही है। ये यहाँ पे मैंने बेल पेपर रेड येलो एंड ग्रीन कलर का लिया है और एक अनियन ली है। मैं अब इसको चॉप करके रख लूँगी इस तरह से कुछ। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम जो है एक 2 चम्मच वही दही जो था हमारा, हमने वो लिया है, उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है। इसी में मैं अब 2 या 3 चम्मच बेसन के मैं धीरे धीरे करके ऐड करूँगी। इसको खूब अच्छे से हमें ब्लेंड करना है ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी लम्स ना रहे। इसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी, तो पनीर घर का बना हुआ था। यहाँ पे मैंने इस पेस्ट में रेड चिली फ्लेक्स यहाँ पे मैंने ऐड करी हैं, चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, और मैं इसे अच्छे से फिर ब्लेंड करूँगी। ये देखिए हमारा घर का बना हुआ पनीर तैयार है। मैंने पनीर बना के रख लिया था, मैं इसके पीस कर रही हूँ। पीस आपका जिस तरह से भी मन हो उस तरह से आप पीस कर सकते हैं। तो मुझे पनीर टिक्का बनाना था, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इससे पहले मम्मी बनाती हैं। तो मैंने स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पे अब मैं पनीर इस पेस्ट में मैं ऐड कर दूँगी और पनीर पे मैं अच्छी तरह से इस पेस्ट को मैं इसमें मैरिनेट करूँगी। फिर इसी पेस्ट में मैं अपनी जो ये वेजिटेबल्स हैं, बेल पेपर हैं, रेड, ग्रीन, येलो और अनियन जो मैंने स्क्वायर शेप में कट करके रखी हैं, वो भी इसी पेस्ट में मैं ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो इसे 1 घंटा 2 घंटे जितना देर ये मैरिनेट रहेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं सूखी हुई थोड़ी सी मेथी मैंने ऐड करी है। आपकी अगर पसंद हो मेथी, आप लोग खाना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास स्कीवर्स नहीं थे तो मैंने ऐसी ग्रिल पैन में सिंगल सिंगल पीस करके इसको मैंने अच्छे से ग्रिल कर लिया। अगर आप चाहें तो नॉर्मल पैन में भी इसे अच्छे से बिल्कुल स्लो हीट पे आप इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई करना है, क्योंकि हम पनीर टिक्का बना रहे हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पनीर टिक्का बनकर रेडी है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। जो बचा हुआ पनीर था एक पीस, तो उसका मैंने ग्रेवी में बनाया है। ये देखिए ग्रेवी बनकर कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।